प्रीतम बाबा का आप लोगों को संपर्क में आने की एक गाथा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सन 41 में हमारे गांव के बुजुर्ग श्री श्री प्रधान जी रावत फ्रीडम फाइटर्स ताकि आंदोलन में एक अपराधी के रूप में दंडनीय घोषित कर दिए गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर एक घोषणा लागू की कि इनका 1500 रुपये उस समय जो सिल्वर का चलता था चांदी का 1500 रुपये का इनाम उस व्यक्ति पर जिंदा या मुर्दा लाने के लिए घोषित कर दिया गया और वो एक क्रिमिनल टाइप के आंदोलनकारी थे। तब उनकी फैमिली ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब गवर्नमेंट ने आपको हर हालत में पकड़ने की जिंदा या मुर्दा की योजना बना रखी है, कोई ना कोई एक दिन ऐसा प्रलोभित हो जाएगा कि इतनी बड़ी बड़ी रकम को पाने के लिए वो आपको अरेस्ट करवा देगा, तो इसलिए आप इस इलाके को छोड़ दो, इस जगह को छोड़ दो। तो उन्होंने अपना भेष बदलने के बाद वो घर से निकल गए, लेकिन उनके जो एक घनिष्ठ साथी थे वो हमारे गांव में हमारे ग्रैंडफादर थे प्रताप सिंह करके ठाकुर प्रताप सिंह राजपूत। उस समय राजपूत ही हम लोग डालते थे अपने हिस्ट्री में, जैसे आजकल तो भाई और फ्रेश कट हो गया है, तोमर भदौरिया कठुआए या शर्मा वर्मा इत्यादि ये कॉन्ट्रैक्ट अब चलने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले उस जमाने में केवल डायरेक्ट चलता था, ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर बनिया वैश ये डायरेक्ट चलते थे। अब तो उनके तमाम छोटे छोटे रूपों में वर्णित होना, कोई गुप्ता लिखता है कोई कुछ इत्यादि, ये विशाल दूसरा है। लेकिन वो उनसे मुलाकात के बाद और उनके जो सहयोगी क्रांतिकारी थे दीवान शत्रुघ्न सिंह के यहाँ मंगरौट पहुँचे, मंगरौट में पहुंचने के बाद किसी सीआईडी ने गवर्नमेंट पुलिस को सूचना कर दी कि आज दोनों जो है, बरसात का सीजन था, आज दोनों एक मंदिर के अंदर रुके हुए हैं और कुछ कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। पुलिस ने मंगरौट के अंदर जो नदी के किनारे पर मंदिर बना था उस पर घेराव डाल के उनको अरेस्ट करने की योजना बना ली। चारों तरफ बहुत ज़्यादा भयंकर पुलिस और पीछे साइड में पूरा बेतवा नदी, धसान नदी, धसान नदी की जो सहयोगी है धसान नदी पूरा बड़े ज़ोर से बरसाती पानी से लबालब थी और वो बह रही थी। तो इनने सोचा कि पुलिस के द्वारा पकड़ना या मरना अच्छा नहीं है, क्यों ना हम नदी में कूद के ही जान दे दें। तो इसमें दो बातें होंगी कि एक तो या तो हम पार हो जाएंगे, इससे बच जाएंगे, और अगर नहीं पार हुए तो इन दुष्टों के हाथ हम नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोच के दोनों आदमी वो नदी में कूद गए। एक तो वहाँ झाड़ियों में फंस गए, तो दो दिन तक झाड़ी में लुके रहे और ये जो श्री प्रसाद दादा थे ये धारा में बह गए। कुछ दूरी चलने पर 2-4 किलोमीटर की दूरी के बाद ये धारा में बहते बहते एक दूसरे गांव में जाके किनारे लगे। उस किनारे में वहाँ के जो प्रमुख होते थे उस जमाने में, जिन्हें आपके क्षेत्र में जो जैसे प्रधान होता है, सरपंच होता है, आप यहाँ जो भी बोलते हो, या बड़ा आदमी जमींदार बोलते हैं, हर गांव में दो एक होते हैं
जो गांव की कंट्रोलिंग को संभाले रहते हैं, तो उनके दरवाजे पहुंचे। उन्होंने नाम सुना तो बड़े ढंग से उनके कपड़े अपड़े चेंज कराए, उनको गर्म पानी दिए कराया, चाय पिलवाई, और ये सब करने के बाद फिर उनसे कहा कि भाई आप ऐसे कब तक रहोगे। उन्होंने कहा हम आपके यहाँ रहने नहीं आए हैं, लेकिन इन परिस्थितियों से हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, और आप हमको कुछ कैश दो ताकि हम दूसरे इलाकों में जा सकें, दूसरे प्रांतों में जा सकें। तो उस व्यक्ति ने कुछ उनको पैसे दिए, उस समय सिल्वर के चांदी के सिक्के चलते थे, और वो सिक्के लेके ये पैदल जो है झांसी के लिए एक गांव पड़ता है सिमरधा, वहाँ उनका ममाना था, वहाँ पर एक रात रुके। वहाँ से रुकने के बाद फिर गरौठा होते हुए झांसी पहुँचा, और झांसी से इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो गाड़ी जो ट्रेन हमको पहले मिलेगी जिस दिशा को, हम उसी पर बैठ जाएंगे। और संयोग से वो ट्रेन जो है उस समय नागपुर के लिए लगी। अब वो श्री भाई दादा श्रीपत साहें जी उस नागपुर की ट्रेन में बैठ गए और नागपुर जाके पहुँच। जब नागपुर पहुँच गए तो नागपुर के इलाके में उनके कुछ रिश्तेदार बहुत पहले हमारे क्षेत्र के वहाँ आवास बना लिए थे, वहाँ रहने लगे थे, वहीं की वो खेती वगैरह करने लगे। तो वो इन्हें मालूम था तो ये उनके घर पहुँचे, लेकिन चूंकि वो संपन्न नहीं थे, वहाँ का एक अलग दूसरा कोई मुखिया था समाजदार था, लेकिन वो उनके माध्यम से वहाँ तक गए और उनके दरवाजे पर जाके उन्होंने कहा कि भाई मैं देखो इस ढंग का आदमी हूँ, अब मैं आपके घर में रह के आपके जानवरों की आपकी खेती की देखभाल करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, और मैं आपके यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ, आप हमें केवल भोजन विश्राम की जगह दीजिएगा। अरे बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे मेहमान हो, और जब जो किया है वो करो, जिस दिन जितने दिन तो आप चाहो यहाँ रुको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टाइम से भोजन पानी सब मिलेगा। और वो उनके यहाँ ये कोई पटेल साहब थे, उनके यहाँ वो रुक गए। कुछ समय बीतता गया तो बीतने के बाद ये उस समय योगा किया करते थे, वह योगा के लिए शांति और एकांत और ठंडक का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, तो ये गांव के बाहर योगा करने जाया करते थे। तो जब योगा करने गए तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी जो है जिसको हमारे यहाँ गोल्डन बर्ड कहते हैं, सुनहली चिड़िया, वो उनको दिखाई थी, और वो बहुत शुभ मानी जाती थी। और योगा करने के बाद जब वहाँ वापस आए तो देखा क्या कि उनके यहाँ एक कोई ज्योतिषकार ब्राह्मण किसी का पूजन कर रहा है, कुछ वो गणित लगा रहा है। उनको बताया कि भाई आज मुझको इस दिशा में कोई गोल्डन बर्ड के दर्शन हुए हैं। बोले सच बताओ, बोलो बिल्कुल सच, उन्होंने सही सही दिशा बताई। तो फिर उसने घोषणा की कि तो मैं एक महीने के अंदर ईश्वर मिल जाएगा। उस ब्राह्मण ने अपना सारा गणित लगाने के बाद श्री भाई दादा को ये बताया कि तुम्हें एक महीने के अंदर ईश्वर मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आके मुझको मार दे, मेरा गणित कभी फेल नहीं होता। इतने विश्वास के साथ उसने दादा को कहा, वो समय निकल गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसी क्षेत्र में बाबा दास करके जो मंडली के जन थे वो घूमते हुए पहुंच गए, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति एक योगा कर रहा है। तब उनने कहा कि अगर तुम्हें योगा ही करना है तो मेहर बाबा से जाके मिलो ना हेमंत नगर में। और फिर ये उनकी कथनानुसार ये अहमद नगर पहुँच गए। जब अहमद नगर पहुँच गए तो उस समय बाबा एकांतवास में थे, किसी से मिलते नहीं थे।
और ऐसा भी कुछ मालूम पड़ा था कि उसके एक दिन पहले कोई राजा अपनी पार्टी के साथ वहाँ दर्शन के लिए आया और बाबा ने उनको मना कर दिया। बहुत बड़ा राजा था, काफ़ी काफले के साथ आया था और मंडली को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि बाबा एक इतना बड़ा आदमी आया, इतना काफला साथ में लाया, इतनी गिफ्ट साथ में लाया है, वो आपने सबको लौटा दिया, बोले नहीं। लेकिन जब यह व्यक्ति दूसरा दिन पहुँचे तो बाबा ने, जानते हो एकांतवास से क्या मैसेज दिया, वो मेरा सबसे खास आदमी है, उसको बड़े प्यार से बड़ी सुविधा के साथ सम्मान के साथ उसको रुकाओ, उसको कोई तकलीफ ना होने पाए, मैं कल सुबह 8 बजे उनको दर्शन दूँगा। सारे लोग बड़े अचंभे में, इनको रुकाया गया, सुबह 8 बजे बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने इनकी सारी बैक हिस्ट्री 2 बार पूछी और 3री बार बाबा ने इनको कहा कि जिस काम के लिए तुम घूम रहे हो, स्वतंत्रता के लिए, वो मैंने दी, वो मेरा काम है, वो मैंने दी, वो तेरे के स्वतंत्र, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन तू अपने लिए कुछ मांग, तुझे जो चाहिए वो मैं तुमको दूंगा। तो इनका विचार आया कि हम क्या मांगे ईश्वर के, या धन या दौलत क्या मांगे, ये कन्फ्यूजन में रहे। लेकिन इनके अंदर एक चेतना आई कि पूर्ण आध्यात्मिक विकास, डेवलपमेंट, पूरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मांगी हमने। तो वो मांगने के बाद बाबा ने कहा मैंने दिया, और फिर बाबा ने एक आदेश दिया कि तुम यहाँ से सीधे अपने ज़िले जाओ और जाके अपने DM को इन्फॉर्मेशन करो और अपने को सिलेंडर कर दो, मेरी ऊपर जिम्मेदारी, बाकी अगर तुम मुझको ईश्वर मानते हो तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी अब मेरी। और इन्होंने सिलेंडर कर दिया, वो हमीरपुर ज़िले में आ गए, ये इनका यहाँ प्रॉमिस चला गया। लेकिन उसी समय नागपुर से भवनों ने एक लेटर लिखा, अब वो लेटर लिखा हमारे ग्रैंडफादर कि मुझे मेहर बाबा नाम का ईश्वर मिल गया, अब मैं फलाई जगह पर हूँ। तो बाबा का हमारी फैमिली में आना, ये सन 43 से लगभग हम लोग बाबा के संपर्क में। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर आपके मंडली के और लोग आए और सब संत, लेकिन चूंकि हमारा जन्म उस समय नहीं हुआ, हमारा जन्म 49 में हुआ, 48 और 49 के लगभग बीच में हुआ, तो बाबा को हमने सन 52 में देखा, तो माँ ने भी दर्शन कराए, हमारे पिताजी ने बाबा की आरती गाई, बाबा की आरती जब हमारे गांव में हुआ है तो प्रीतम बाबा की आरती की गई और बाबा ने उसमें कहा कि देखो इसका झूमना ये नकली है, ये सबको खुश करने के लिए झूम रहा है, जबकि इसको हृदय से झूमना चाहिए। ये बाबा ने आरती के समय हमारे पिताजी के लिए कहा, हमारे पिताजी टीचर थे, तो एक कलाकारी की हैसियत से जिस ढंग से बड़े झूम से और बड़े भाव के साथ जो करते हैं ताकि 10 आदमी ये देखे नहीं कि कैसे कर रहा है, तब उस समय बाबा ने कहा और उस समय फिर इशारा किया कि मेरी आरती, मेरी प्रार्थना हार्ड से होनी चाहिए। लेकिन वो जनरली मैसेज नहीं था, लेकिन जो मंडली के लोग थे या जो आसपास लोग थे कि ये वो उनको वहाँ पर उनको बड़े प्रेम के साथ बाबा ने बताया। इसके बाद बाबा ने दर्शन दिया और बाबा सनबावन में दूसरी जगह चले आए। फिर जब वापस हमारे गांव जराघर से मैं वो विश्राम किए, बाबा ने वहाँ कंचा भी खेले, गोलियाँ बोलती हैं, वो गोली मेरे पास आज भी एक रखी है। हमारे जो चाचा थे उस समय करीब 11-12 साल के थे,
उन्होंने वो बाबा की गोली उठा ली थी एक, तो वो गोली आज भी रखी है। और जब बाबा गाड़ी से नीचे उतरे, कार से जब नीचे दर्शन के लिए आए, तो बाबा की पैर की चप्पल गिर गई। तो बाबा ने एक पैर अपना ज़मीन के पर रखा चप्पल पहनने के लिए, और जब एक जी ने चप्पल उठा के दी तो उन्होंने पैर फेरा, तो हमारे चाचा ने उस तरह की जो रस्सी रस्सी जिसको बोलते हैं वो तो सारी कलेक्ट कर ली जहाँ पर बाबा ने फेर रखा, तो वो रस्सी अभी मेरे पास घर में रखी है ना। बाबा की कई चीज़ें हमारे पास, बाबा हमारे पिताजी को बाबा ने नेकलेस दिया था हार, वो भी रखा। बाबा की ऑटोग्राफ भी हमारे पिताजी की पुस्तक में बाबा ने की थी, मैं तरंग नाम से पुस्तक 1965 में रिलीज हुई थी बाबा के ऑटोग्राफ के सामने, वो भी मेरे पास है। बाबा का एक रूमाल भी मेरे पास है जो हमारी अम्मा को संवादक में दिया था बाबा ने। ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो बाबा की हमारे पास हैं, जो हम धरोहर कहते हैं। उनसे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा या उनसे हमें क्या कुछ मिलना है, ये हमें बोध नहीं। पिताजी ने हमको हैंडओवर की, हमने बच्चों को हैंडओवर की, वो कब तक रहेंगी, क्या प्रॉफिट देंगी, क्या नहीं देंगी, इस बारे में हमें कोई सरोकार। वो आज भी बड़े बच्चे के पास है, उनके बॉक्स के अंदर है, और कुछ सिक्के भी हैं जो बाबा के थ्रू हमें मिले थे हमारी माता जी को, वो भी उसी में रहे। तो ये कहानी हम लोगों की जो है, हमारी फैमिली की जो है, वो 1952 से बाबा के प्रति आकर्षण, बाबा के प्रति समर्पण, बाबा के प्रति प्रेम हमारे परिवार में जागृत हुआ। और उसके बाद हम धीरे 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 करके हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो पूरे के पूरे सरेंडर हो गए, और जिसको बाबा ने स्वीकार किया, और बाबा ने उनका नाम अपनी पुस्तिका में अंकित किया, और वो आज जो टावर बना है आपने देखा होगा उस रेलवे पर, उस टावर में भी हमारे यहाँ पर प्रताप सिंह जराकर के नाम से नाम एंट्री है उनमें, बाकी जिले का किसी का नाम नहीं। दूसरा नाम हमारे चाचा का है जो उनके साथ लगा रहता था, महर प्रकाश, वो एक्सपायर हो गया था उसके बाद तुरंत बाबा के उसके बाद, उनका नाम भी बाबा ने जब उनको सूचना देगी तो उनका नाम भी हो उसमें एंट्री है, महर प्रकाश करके। तो ये बाबा ने एक सर्टिफाई दिया हमारी फैमिली को, हमारे प्रेमी जगत के डिस्ट्रिक्ट लेवल की या इंडिया लेवल की रहीसी का कारण या गरीबी के कारण या अनपॉलिटिक्स के कारण हम लोगों को बाबा के उसमें आगे नहीं किए, ना हम लोग आए, लेकिन बाबा ने नहीं छोड़ा। आपने महलपुरी, महलधाम, नौरंगा या और अन्य जगहों में, देहरादून है या कहीं भी है, आपने ये धीरे धीरे करके बुद्धक रूप से उसका डेवलपमेंट कर लिया, पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए एक जगह बना ली। आगे चल के क्या होगा, जो अभी हो रहा है, और एक जातवाद और अधिकारवाद, इनके फादर, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, वो सिक्योरिटी जाएंगे, फिर वही सिक्योरिटी जाएंगे, फिर उनके बेटे, ये क्रम बाई क्रम चलेगा, और लास्ट में जो इनकम है उसको बेनिफिट बंटवारा करके और दुरुपयोग करेंगे, फिर परमात्मा को आना पड़ेगा। 700 वर्ष बाद क्यों आता है मुझे, इसीलिए आता है, इस क्रिया को रोकने के लिए आता है, और यही क्रिया जो है उसी के सामने शुरू हो जाती है। इसकी कंप्लेंट एक बार बाबा से की, मेरे सामने जी ने इसका निर्णय उत्तर दिया। ये बाबा की चबूतरे की बात है, जो बाबा समाधि की पगल में जो झोपड़ी बनी, उस पर एरज जी बैठे थे, मैं भी बैठा था, और इसका तो मुझे ध्यान नहीं है ये हो या ना हो। उस समय किसी ने एक ने आके बाबन थे एरज जी से कंप्लेंट किया कि आपके होते हुए
और इस ढंग का वातावरण यहाँ पैदा हो रहा है, इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो? कबीर जी ने कहा कि बाबा ने भी चुप रहना कहा था, अगर हम चुप नहीं रहेंगे तो आगे 700 साल बाद आने की क्रिया कैसे संभव हो पाएगी। इसलिए परमात्मा के आगे ही परमात्मा की क्रियाओं पर दुरुपयोग क्रिया चालू हो जाती है, वो पर्दे के पीछे रहती है। अभी 100 साल तक पर्दे के पीछे रहेगी अवतार काल में, लेकिन जब अवतार काल समाप्त हो जाएगा, उसके प्रेमी समाप्त हो जाएंगे, उसके प्रेमी आ जाएंगे जो गुलाबी कोट पहनेंगे, कोई बाल लखाने लगेगा, कोई बैच लगाएगा, कुछ लगाएगा, लेकिन क्रिया में नहीं होंगे, केवल एक शो में होंगे कि हम बाबा के हैं। राम अवतार कृष्ण अवतारों में अब होता क्या है, कोई राधे लिखता है, कोई श्याम लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई रामा रामा लिखता है। तो हकीकत में ये पता पड़ा कि शाम को जो है वो गुरुद्वारे में जाके पैग लगाते हैं। मैं आपको वहीं पहुंच रहा हूं, और आप अगर डरते तो जल्दी में हो तो हम उसको एकदम कट करके वहां पहुंच, मैं वहीं पहुंच रहा हूं, ठीक है ना। वो हमारी जान है, हम उसको कैसे आपको ना बताएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप प्रश्न नहीं करना। तो जब ये क्रिया बराबर चलती रही और हमारी ग्रैंड फादर और फादर बाबा के कार्यों में जुटे रहे, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, उस स्टूडेंट लाइफ के दौरान हमें बाबा के से न बाबा के कार्य से कोई इंटरेस्ट नहीं और न परमिशन थी। फैमिली की, माता पिता की या बब्बा की भी परमिशन नहीं थी कि हम आपके इनके साथ घूमें। उनसे केवल इतनी बात होती थी कि बब्बा वो फीस भरना है, बब्बा ड्रेस खराब हो गई ड्रेस बनवाना, बस। और उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया कि घी ले जाओ, आटा ले जाओ, दाल ले जाओ। उस समय से हम सेवा होती थी या ट्रैफिक कम था, चार चार बिल सिर पर रख के ले जाते थे, बनाते थे, आठ आठ दिन दस दस दिन खाना पड़ते थे, और फिर जब ख़त्म होता तो फिर लेने आते थे गाँव। तो उस समय प्रीतम बाबा से हमारे जीवन का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अंदर जो फाउंडेशन है उसमें तो बाबा थे। और वो स्टूडेंट लाइफ हमारी चली सन 72 तक, शिक्षा सन 72 और 73 के बीच पूरी हो, हमने इंटर करने की बात है, MBBS की डिग्री का हासिल भोपाल से। और फिर हम अपने गांव आके हमने अपनी डिस्पेंसरी चालू की, यहाँ उतर आए। समारी हमारी शादी जो है 68 में इनके साथ हुई। शादी के दौरान, शादी से पहले हमारे पिताजी ने प्रीतम बाबा को निमंत्रण पत्र भेजा, तो बाबा ने यहाँ से एक टेलीग्राम भेजा हम लोगों को आशीर्वाद का, और वो टेलीग्राम बाबा ने हमारी ससुराल के पते से भेजा, हमारे घर पर नहीं भेजा। और हम लोगों की उस जो है वो जिस परिक्रमा बोलते हैं, जानते हो परिक्रमा, परिक्रमा चल रही थी उस समय, और उसी समय वो टेलीग्राम पहुंच गया। और ऐसी कुछ उस समय बौद्धिकता थी समाज में कि अगर किसी के घर में टेलीग्राम आए तो सारा गांव, आधा गांव रोने लगता, अरे उनके घर में तो टेलीग्राम आया, पता नहीं कौन मर गया, क्या हो गया, पता नहीं कौन क्या हो गया, एक ऐसी धारणा थी। तो सार बहुत हर हड़कंप मच गई, और टेलीग्राम आया, टेलीग्राम आया, कोई इंग्लिश पढ़ने वाला नहीं,
किसी तरीके से इनके भाई या लड़ भी कर रहे थे, उसमें वो पढ़ रहे थे बांदा में, बड़े भाई लड़के थे वो आए तो उनने कहा दिखाओ तो कहाँ से आया है क्या है, उनका इंग्लिश में लाओ तो इंग्लिश से क्या। जब वो पढ़ा तो उनने जब बताया कि इनके गुरु का आशीर्वाद वहाँ से आया है और फिर हमारी ऊपर एक मकूल ये शादी के ऑन टाइम ऑन ऑन स्टोर की। और उसके बाद हम अपना शादी आदि हो गई, शादी के जो सिस्टम होता है एक आध महीने गांव में रहने के बाद फिर पढ़ाई के लिए चले गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर पिताजी बोले अब आगे पढ़ोगे, हमने कहा आप क्या पढ़ाएंगे, अब तुम सोचते हैं कि डॉक्टरी लाइन में जाएं। तो किसी तरीके से कोशिश करके वो होम्योपैथिक डॉक्टरी के रूप में HMBS उस समय भोपाल से डिग्रियाँ निकलती थी उसमें एडमिशन कराया, हमें छतरपुर कॉलेज मिला, हम वहाँ पढ़ते रहे। उसकी डिग्री लेने के बाद हम गांव आ गए, सर्विस भी मिली, फिर पिताजी ने सर्विस नहीं करने दी उस ज़माने क्योंकि हम अकेले थे अपने पिताजी को, गांव की प्रॉपर्टी भी थी, खेती थी, पिताजी हमारे टीचर थे, ये कोई दिक्कत नहीं थी फैमिली में, तो उन्होंने गांव ही में रखा। इसके बाद धीरे 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 जब हम गांव में रहने लगे तो पिताजी के लिए, पिताजी से मिलने के लिए बाबा प्रेमी जिले स्तर की या अन्य जिलों की यदा कदा वो दरवाजे घर पे आने आते रहे। और जब वो अपने घर में आते हैं और एक संस्कार हमारे अंदर ऐसा है कि मेहमान की सेवा करना सिर पर अच्छा लगता है और सिर पर हाजिर है सेवा, तो हम उनकी करते थे। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते थे जिन्हें देख के हम दुखी हो जाते, जैसे गंदी चप्पल पहन, गंदे कपड़े पहन के आ जाना, या बहुत उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करके बातचीत करना, जिसको देहाती भाषा में कहते। तो हमें ये लगता था कि पिताजी ने पागलों को कहाँ से इकट्ठा कर दिया और थोड़ी देर में हमें गया अच्छा ये सुरेंद्र ये उठा ले जाओ कप ले जाओ, जरा दो कप चाय और बनवा दो, मतलब फैमिली भी हमारी डिस्टर्ब, माता जी भी परेशान, अब वो बाबा का आनंद ले रहे संपर्क, इस तरीके की क्रिया चलती रही। लेकिन कुछ सालों बाद करीब 78 में हमें कुछ ऐसा लगा कि पागल ये नहीं है, पागल हम हैं जो हम इनको गलत समझ रहे हैं। क्या इनके घर में इनके बच्चे नहीं होंगे, एक दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया, इनके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन ये 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल चल के हमारे पास केवल एक कप चाय के लिए आते और फिर चले जाते, कोई चर्चा नहीं, कोई लेना नहीं, कुछ देना नहीं, केवल जय बाबा, केवल जय बाबा। हमारे पिताजी को मुंशी जी करके कहा करते थे, देहाती भाषा में टीचर को मुंशी जी बोलते हैं, तो मुंशी जी जय बाबा, मुंशी जी जय बाबा बस। और हमसे अगर कोई बात करता था तो भैया ठीक हो, अच्छा चल रहा है कि नहीं, जीवन अच्छा चल रहा है कि नहीं, हमसे कोई इससे ज़्यादा बात ही नहीं करता। तभी एक दिन अचानक जो एक पेशेंट हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक गांव है नांदोरा करके, वहाँ के लिए हमें जाना था। हम साइकिल का साधन उस समय सर्वोपरि था, तो हमने घर से नाश्ता करके और साइकिल निकाली और वहाँ पेशेंट को देखने जाना था। लेकिन पता नहीं किसने और कब कैसे हमारी साइकिल को ड्राइव कर दिया, बजाय हम उत्तर दिशा की जाने के वो हम दक्षिण दिशा को चल गए घर से, और हमें कोई बोझ नहीं,
लेकिन जब हम दक्षिण दिशा का जो गांव पड़ता था वो था नौरंगा, जब हम नौरंगा के पास पहुंच गए तो हमें हो जाए अरे हमें तो जाना तो दक्षिण दिशा में नांदोरा था, हम यहाँ नौरंगा कैसे आ गए। ये पहला ईश्वर की तरफ मुड़ने का सद्गुरु द्वारा हो या बाबा द्वारा हो या किसी अन्य आत्मा द्वारा हो ये तो नहीं मैं जानता किसने हमको इस बात के लिए प्रेरित किया उस दिशा में चलने के लिए, लेकिन पहला ईश्वर की तरफ जाने का एक मोड़ यहाँ से चालू हुआ हमारे जीवन। और जब हम नौरंगा गांव के अंदर पहुँचे तो हमने देखा अरे हमने जब यहाँ तक आए तो चलो बाबूजी से मिलने, बाबूजी कहते थे हम नौरंगा के जिस बाबू राम प्रसाद जी थे उनको बाबूजी बोलते थे, अब वो हमें बहुत प्यार करते थे। कभी उन्होंने नाम नहीं लिया मेरा ना कभी डॉक्टर कहा, केवल बच्चू बोलते, कहो बच्चू कैसे हो, कहो बच्चू खाना खाया कि नहीं खाया आज, ओ बच्चू बाबा से डरा कर, ओ बच्चू बाबा से प्रेम किया कर, दोनों बातें कहा कर, बाबा से डरा कर और बाबा से प्रेम भी किया कर। अब बोलो एक साथ एक आदमी मैं ये दोनों काम कैसे चलती हैं, जबकि मैंने एक जगह ये पढ़ा है बाबा ने कहा है कि तुम मुझसे डरोगे तो प्रेम कैसे करोगे। और उसने हमसे ये कहा था कि बाबा से डरा भी करो और प्रेम भी करा किया करो, वो भी एक ऐसी सोल थी जिसके लिए बाबा ने कहा था कि इसके प्रेम से मैं ईर्ष्या करता हूँ, ये मेरा रत्न है। वो ऐसी कोई खलवाड़ छोटी मोटी हस्ती नहीं थी बाबू राम प्रसाद, उसकी ये मैं आपको बता। लेकिन मैंने वहाँ उनका बैठ के बैठ पानी पी ले चाय पी ले, मैंने चाय पी और चाय की एक मज़ेदार कहानी कि उस समय उनके पास दूध नहीं था तो काली चाय बनाई उन्होंने जिसको हम यहाँ मुर्गी चाय बोलते हैं नौरंगा में, है ना, ब्लैक टी। वो आधा का फूल दिए, बोले ले देख ये बहुत अच्छी चाय है, हमने वो पियो हम अपने गाँव। वो समय निकल गया 2 साल का, कोई बात नहीं। इसके बाद 81 के लगभग 80-81 के बीच में गुलाबदास पांचाली बम्बई वाले जो मेहरपुरी में रहने लगे थे, वो मेहरपुरी के निर्माण के लिए डोनेशन के लिए हमारे घर आए, हमारे घर में रुके और उन्होंने पता नहीं बाबा की आज्ञा से हो या अपनी इच्छा से अनुसार हो, पिताजी से कुछ बात करने के बाद उन्होंने मुझको बाबा के कार्य में अपने साथ संलग्न कर लिया। मेरी प्रैक्टिस भी फेल हो गई, जब मैं 8-8 दिन अस्पताल नहीं खोलूँगा कौन हमारे पास आएगा, जब महीनों दवा लेने नहीं आऊँगा स्टोर वालों के पास तो मेरे पास स्टॉक क्या रहेगा, मतलब नाना प्रकार के जो डिस्पेंसरी भी जो एक तरीके के बंद हालत में हो गई। और मैं गुलाबदास पांडाल जी के साथ 1 साल रहा और उसी समय पर एक योजना बनी हमारे बुजुर्गों के द्वारा, दादा श्री भाई के द्वारा, अब हमारे पिताजी के द्वारा कि यहाँ एक बहुत विशाल सम्मेलन किया जाए और उस सम्मेलन को वहाँ 1982 में किया गया। और वो ये एक दिन का सम्मेलन नहीं था, वो सर्वधर्म का सम्मेलन हुआ, फिर वो 8 दिन का सम्मेलन जिसमें लास्ट के 3 दिन वो मेहर बाबा कार्यक्रम के थे, इसके पहले यज्ञ वालों के, रामायण वालों के, कथा वालों के और ये जो हर एक समुदाय के उस कार्यक्रम तक किए। कौन से साल में? 1982। और उस समय का इतना विशाल कार्यक्रम था कि वो आज कराया तो शायद 50 लाख से ऊपर का खर्च हो,
उस समय भी 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ था, बहुत बड़ा। और कैसे हुआ क्या हुआ तो एक बहुत लंबी कहानी है। और इसके सफलता के लिए पांचाल जी ने हमको लगभग लगभग प्रमुख केंद्रों पर अपने साथ ले जाके दौड़ा किया। इधर उत्तर साइड में देहरादून, हरिद्वार, बाराबंकी इस साइड में, उधर आंध्रा, बिहार और ये आपके पर्दा अर्दा, ये सारे सेंटरों में जाके लास्ट में मेहराबाद, फिर मेहरा माई को निमंत्रण दिया। और वो देने के बाद उसको बहुत लंबी कहानी, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए हम ये सब हो गए। और उसके साथ साथ जब हम उसमें क्रिया में उतर गए तो इसी दौरान माया का भी एक विकराल रूप आया हमारे जीवन में। माया का इतना विकराल रूप आया कि हमारे पिताजी रिटायर हो गए। उनका जो 10-20 हजार फंड था वो किसी ने उनसे, प्रेमी ने उनसे, हम सपोज में उनसे कुछ नहीं कह पाए, वो उन्होंने किसी को गिफ्ट दे दिया। वो हमें आज तक नहीं मिला, उस समय का 25-30 हजार जो भी मिला हो। इसके बाद प्रेम प्रसाद ये मिला कि उनको ब्लड कैंसर हो गया। देखिए उस समय की बात, उनको ब्लड कैंसर हो गया। हमारे अंदर बाबा ने ये भावना पैदा की कि इनका इलाज करना अति आवश्यक है, ये सारा कुछ इनका है। तो उनके इलाज के लिए हम जराखर से लेके वो बॉम्बे तक के डॉक्टर, लगभग 3 साल हमने उनके इलाज किया और 4-6 लाख रुपया उसमें खर्च किया। उस जमाने का एक मायने रखते हैं। उसमें क्या हुआ कि हमारी भीतरी पूंजी, इनके गहने, फिर माता जी के गहने, कुछ जमीन, कुछ जायदाद, कुछ बैलेंस, यो था सारा का सारा हमारा खत्म हो। दूसरी प्रक्रिया चली कि बच्चों की पढ़ाई, कोई हाई स्कूल कर रहा है तो कोई मिडिल कर रहा है, बच्चियां भी पढ़ रही हैं, 3 बच्चे थे 2 बच्चियां थी, है ना। इधर भी कोई हमीरपुर पढ़ रहा है, कोई राठ पढ़ रहा है, कोई उदय पढ़ रहा है। अब उनको तुम्हारी व्यवस्था से कर रहा, उनको तो महीने पर खर्च चाहिए। अब अकेला एक में कोई हेल्प वाला, धीरे धीरे करके जब उससे निपटा तो उनकी शादियाँ आ गई, एक की फिर दूसरी की फिर तीसरी की फिर उनको बिजनेस धंधे में लगाना, वो सारा कुछ चला। अंत में ये हुआ कि हम 2001 तक पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से फेल हो गए और हमने एक नया जीवन, जो होता है जनरली तौर पर बौद्धिक रूप से, कि घर का परित्याग कर दिया, बच्चों को अलग निवास बना दिया और हम अपनी डेवलपमेंट के लिए दिल्ली साइड, नोएडा साइड निकल गए इनको ले। माता जी को पिता छोड़े, पिताजी एक्सपायर ही हो गए, उसकी भी एक अलग कहानी। तो वो हम फिर हमारा चला साल 8-9 साल हम फिर वहाँ अपने को बनाए रखे। और उसके बाद फिर वो सब चलता 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 अभी अपन 16 में आए थे, 17 में, 16-17 तक ये सारी क्रियाएँ चली। अब मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ आपको। और 16-17 के बाद हमारे पारिवारिक व्यक्तन में बाबा की कृपा थी, ऐसा कुछ प्रेम बरसा कि सारे के सारे बिखर गए। कोई कहीं रहने लगा, कोई बहू कहीं रहने लगी, कोई कुछ चाहने लगी, कोई बच्चे कुछ चाहने लगी। हमारी बच्चियों की शादियाँ हो गई, सब शादियाँ सब हो गई। और ये पोजीशन आ गई कि हम दोनों को कोई भी सेवा करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
देखिए बहुत सच बात है बता रहा हूँ, है ना। और फिर एक दिन मैंने इससे कहा ये जीवन से तो अच्छा ये है कि इनको दुखी क्यों किया जाए भाई, हम रहेंगे टोकेंगे, इनको गाना गाना है, हमें आरती करना है, है? तो ज़्यादा अच्छा ये है कि इनको गाने दो ना, अपन चल के एकांत में आरती करेंगे। और हुआ वही कि धीरे धीरे करके हमने साल दो साल तो हमने इधर उधर काटी, कहीं इसमें कहीं, तो लास्ट फाइनल हमने यहाँ आके करीब 2020 के लगभग हम फिर आलमपुरा में रहने लगे। अब हम आलमपुरा पहुँचे और सारा कुछ, एक बच्चे को जराखर गांव का, एक बच्चे को राठ की प्रॉपर्टी, ये इनके पिताजी को, ये बच्ची आई थी बड़े की बच्ची है, इनको दे दी। एक बच्चे को महोबा में रहता है, वो वहीं उसको वहाँ की प्रॉपर्टी, आप सबके पास पक्का मकान, सबके पास सबको गाड़ी घोड़ा, बाबा की कृपा ने, बाबा से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। शिकायत है तो हमें उन्हीं से है कि तुमने ऐसे संस्कार क्यों पैदा किए, तुम्हारे पास सब कुछ होती हुई कुछ नहीं रहा, ये तुम्हारी कमी है, उस परमात्मा की देने की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि ध्यान रखना मैं आग हूँ, अगर मुझको संभाल के रखोगे तो मुझसे तुम गर्म पानी करके अपनी क्रिया को पूरा कर सकते हो, जिसे स्नान कहते हैं, खाना पका सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, अन्य सुविधाएं मुझसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे साथ खिलवाड़ की तो तुम जल सकते हो, तुम्हारा दामन जल सकता है, तुम्हारा मकान जल सकता है और तुम भी जल सकते हो। तो हम तो यही समझते हैं कि तुमने हम बाबा के साथ खिलवाड़ किया इसलिए तुम दुखी, या हम अपने ऊपर घटा रहे, लेकिन हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं होता तो हम बाबा के पास नहीं पहुँचते, बाबा के कार्य में पूर्ण समर्पित रूप से नहीं आते। और तब से हम समझासी से लेके निरंतर आज तक मेहराबाद जाते गए और कई वर्षों तक हम वॉलंटियरिंग के रूप में वहाँ पहुँचते रहे, मैं फैमिली के साथ, वो आज भी आ रहा है, पूरी फैमिली जाती है, बच्चे जाते हैं, सब जाते हैं। लेकिन आज के जीवन में हम अब 3 साल से हम आलमपुरा में रह रहे हैं और आलमपुरा का इतिहास हम चाहते हैं कि आपको फिर कभी बताएं।